देखो बीमाओं के उपयोग, ठीक है ना, बीमाओं के कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो है वो किस में दे रखा है, एमकेएस में दे रखा है। हमने अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हमने सिस्टम पढ़ा है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है और एक एसए सिस्टम होता है, ठीक है ना। क्या होता है एसए, बाद में लेटेस्ट जो सिस्टम बनाया है वो हमारा क्या है, एसए सिस्टम है, और हम एसए सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ठीक। अगर कोई भी सिस्टम का जो मान है वो किस में दे रखा है, सीजीएस में दे रखा है, किस में दे रखा है, सीजीएस में दे रखा है। जैसे मान लो न्यूटन दे रखा है, बल दे रखा है, बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है डायन होता है, क्या होता है डायन। तो मान लो किसी भी वस्तु पे हमने 10 डायन फोर्स क्या करा, अप्लाई किया, ठीक। अब इस डायन को हमें कन्वर्ट करना है किस में, एमकेएस में, ठीक ना। एमकेएस में बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है न्यूटन होता है। अब हमारे पास फोर्स डायन में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है किस में, न्यूटन में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास फोर्स दे रखे हैं 10 न्यूटन और इसको हमें कन्वर्ट करना है डायन में, इसमें कन्वर्ट करना है डायन में। तो जब हमें हमारे पास एक यूनिट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मान दे रखा होता है तो हमें उस सिस्टम से किसी एक दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बीमाओं के, ठीक। और कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखा हो, जैसे मान लो एक इक्वेशन दे रखा है, गति का इक्वेशन ले लेते हैं, वी बराबर यू टी प्लस हाफ, सॉरी वी बराबर यू प्लस ए टी, जैसे एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना। ये इक्वेशन सही है या गलत है इसकी हम जांच कर सकते हैं बीमाओं के उपयोग से, ठीक ना। क्योंकि बीमाओं के उपयोग, जैसे कोई भी इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, दो इक्वेशन को ऐड करा, U और AT को हमने क्या करा, जोड़ा ना। तो कब जोड़ सकते हैं दोनों चीज़ों को, जब वो सेम चीज़ हो, तब क्या हो वो सेम चीज़। जैसे हमेशा लंबाई और लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, किलोग्राम और किलोग्राम को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बल दे रखा है तो बल को बल के साथ ही जोड़ेंगे, अगर बेग दे रखा है तो बेग के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे नहीं कि बेग और विस्थापन को जोड़ दे रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अरे बस समझे, तो कोई भी इक्वेशन अगर दे रखा है तो वो इक्वेशन हमारा सही है या गलत है उसकी भी पुष्टि हम किससे कर सकते हैं, बीमाओं से, ठीक ना। या और तीसरा यूज़ कहाँ होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखे हैं, जैसे F दे रखा है, बल दे रखा है, M दे रखा है, V दे रखा है, और क्या दे रखा है, R दे रखा है, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या दे रखा है। हमसे कह रहे हैं कि F जो है, बल जो है, वो M, V और R पे किस तरह से निर्भर है वो बताओ। कहने का मतलब है कि F के लिए M, V और R के पदों में सूत्र बनाओ, क्या बनाओ, सूत्र बनाओ। तो उसके लिए भी, सूत्र बनाने के लिए भी, या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध निकालने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बीमाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडिंग एल्डनस में एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, ठीक है। किस तरीके से एक मात्रक से दूसरे मात्रकों में हम उसको चेंज करेंगे उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी P है, कोई भी एक भौतिक राशि है P, कुछ भी हो सकता है, एक्सवाइजेड, बल भी हो सकता है, वेग भी हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक P भौतिक राशि है। तो इस P भौतिक राशि का हमेशा उसका अंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहेगा, ठीक है। हमेशा मात्रक और अंकिक मान का जो गुणा होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा,
ठीक। जैसे देखा होगा कि 1 मीटर बराबर क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखते हैं, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 1000 मिलीमीटर, कितना जाएगा, 1000 मिलीमीटर। ये सब आपस में बराबर क्यों होते हैं, बराबर इसलिए है क्योंकि देखो 1 आंकिक मान है, एम क्या है इसका, मीटर हो गया, यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, तो इसका गुणनफल, ये हमारा आंकिक मान हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, इनका गुणनफल, ये हमारा आंकिक मान हो गया, ये हमारा मात्रक हो गया, इन सबका जो गुणनफल होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए हम एक दूसरे के बराबर लिखते हैं, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी अगर भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रकों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक भौतिक राशि P है, माना एक भौतिक राशि क्या है, P है, कुछ भी है, P x y z कुछ भी हो सकता है, इसकी जो बीमा है, इस भौतिक राशि की जो बीमा है वो हम मान लेते हैं क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ऑर्बिट्री कोई भी बीमा हो सकता है, जैसे एम एल टी की पावर माइनस वन हो सकता है, टी की पावर माइनस टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक भौतिक राशि माना और उस भौतिक राशि की एक बीमा हो गई एम की पावर ए, एल की पावर, सॉरी एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। अब मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, एक सी जी एस सिस्टम है, ठीक है, और क्या एक सिस्टम है, एक एम के सिस्टम है, ठीक। सी जी एस सिस्टम में उसका जो आंकिक मान है, जो उसका आंकिक मान है वो कितना है, N1 है, ठीक, और इसका जो मात्रक है वो कितना है, U1 है। ऐसे सेम MKS पद्धति में उसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो N2 है, ठीक, और मात्रक जो हो जाएगा इसका वो मान लेते कितना, U2 है, ठीक। बट क्या होगा, अभी बताया था किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, आंकिक मान और उसके मात्रक का जो गुणनफल होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, N1 U1 बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 U2, क्लियर है, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसका मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, बराबर, किसी भी मात्रक में किसी भी पद्धति में उसको कन्वर्ट कर लो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, क्लियर है। U1 CGS पद्धति में है, U2 MKS पद्धति में, क्लियर है। अच्छा, अब जो इसके मात्रक है U1, उसको अगर हम बीमीय पदों में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बीमीय पदों में, जैसे देखो बल F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या इसको हम क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी मात्रक को अगर बीमा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी मात्रक को अगर बीमा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ML t की पावर माइनस 2, क्या जाएगा, देखो kg के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, m के लिए मतलब लंबाई के लिए, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, बट्टे में था इसलिए ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 2, तो ML t की पावर माइनस 2, मतलब न्यूटन के जगह अगर हम बीमी पदों में अगर इसके मात्रक को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ML t की पावर माइनस 2। तो सेम यहाँ पे क्या हमारे पास U1 क्या है, मात्रक है, इस मात्रक को अगर बीमी पदों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, तो क्या लिख सकते हैं उसको, इसको लिख सकते हैं n1, यहाँ पे बीमा लिख दो इसका, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, t1 की पावर c, मतलब 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cgs को, ठीक। सेम इसको लिखेंगे n2, U2 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेम बीमा है, तो क्या लिखेंगे, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, T2 की पावर C। अब यहाँ से हमारे पास एक क्या आ जाता है, एक इक्वेशन आ जाता है, ठीक ना। अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो CGS में दे रखा है और मान निकालना किसमें, MKS में, किसमें दे रखा है, CGS में दे रखा है और निकालना है MKS में, मतलब हमें क्या निकालना होगा, N2 निकालना होगा, ठीक ना। तो N2 निकालने के लिए अगर N2 निकालेंगे तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1, ये वाला टर्म सूट के बराबर के इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो M1 की पावर A,
एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी बटे एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम एन वन, देखो एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, इसकी पावर ए, इसकी पावर ए, तो इसका होल पावर में लिख सकते हैं, सेम आ जाएगा एल वन अपॉन एल टू की पावर बी और आ जाएगा टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, जब हमारे पास वैल्यू दे रखा होगा सी जी एस में, किसमें दे रखा होगा सी जी एस में दे रखा होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा हमें एम के एस में, तो इस उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एम के एस में दे रखा हो सी जी एस में कन्वर्ट करना है, किसमें दे रखा है एम के एस में दे रखा हो सी जी एस में कन्वर्ट करना है, तो भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन में एन टू की जगह वैल्यू रख देंगे, एन वन निकाल देंगे, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग फॉर्मूला में नहीं लिखा रहा, एक ही फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सी जी एस में दे रखा है एम के एस में जा सकते हैं, एम के एस में दे रखा होगा तो सी जी एस में हम जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, नोट करो इसमें, इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करा तो भी समझ में आ जाएगा। इसके आगे ना यहाँ पे इसके आगे एक लाइन लिख लेना, किसी भी भौतिक राशि, ब्रैकेट में लिख देना, किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों या के मात्रक व उसके आंकिक मान, मात्रक व आंकिक मान का गुणनफल नियत रहता है, का गुणनफल नियत रहता है 10 न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए। देखो क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डायन में, किसमें कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस पद्धति में कौन सा मात्रक है, एक तो पहले क्या पता होना चाहिए, पद्धति पता होना चाहिए, ठीक है, और प्लस पता होना चाहिए भौतिक राशि, मतलब किस भौतिक राशि का मान दे रखा है ये। 10 न्यूटन हमें पता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक, मतलब किस भौतिक राशि की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, बल की बात कर रहे हैं, जो भौतिक राशि है यहाँ पे वो क्या है, बल, ठीक। और हमें पता है बल का मात्रक न्यूटन किस में होता है, एम के एस पद्धति में होता है, किसमें होता है, एम के एस पद्धति में होता है, और सी जी एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है, मतलब हमारे पास एम के एस सिस्टम में दे रखा है और एम के एस सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सी जी एस में, किसमें कन्वर्ट करना है, सी जी एस में। अब इतना पता चल गया, बल भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, प्लस हमारे पास एम के एस में वैल्यू दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है सी जी एस में कन्वर्ट करना है, ठीक। अच्छा अब पता होना चाहिए बल की बीमा क्या है, बल की बीमा कल बताया था क्या था, अभी भी लिखा था एम एल ई माइनस टू, ठीक। बल की बीमा क्या जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस टू। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज करा, इसमें ये किसकी बात कर रहा था, एम के एस की, और ये किसकी बात कर रहा था, सी जी एस की, इसकी बात कर रहे हैं सी जी एस, मतलब इस इक्वेशन का अगर तुम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वन जो है वन नोटेशन दे रहे हैं किसको, सी जी एस को, और टू नोटेशन किसको दे रहे हैं, एम के एस को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एम के एस में वैल्यू दे रखा है, तो एन का वैल्यू कितना दे रखा है, एन टू का वैल्यू, एन टू दे रखा है हमारे पास, एन टू बराबर कितना 10, क्योंकि 10 न्यूटन है ना, तो आंकिक मान कितना दे रखा है उसका, 10 दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अतः देखो एन टू इक्वल टू क्या जाएगा, एन वन, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, ठीक। अच्छा अब इसके कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पे m की पावर कितना है 1, l की पावर कितना है 1, तो a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 1,
और सी का मान कितना होगा माइनस टू, ठीक है ना। तो एन टू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन वन एम वन अपॉन एम टू की पावर वन, एल वन अपॉन एल टू की पावर वन, टी वन अपॉन टी टू की पावर माइनस टू। यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि ए बराबर वन बी बराबर वन और सी बराबर माइनस टू, क्लियर है। अच्छा अब वैल्यू पुटिंग करो, एन टू की जगह कितना रख दो, एन टू की जगह कितना है टेन, एन वन ठीक। अब देखो एम वन, वन नोटेशन किसको दे रहा है CGS को ना, और M क्या है द्रव्यमान है। CGS में M का मात्र क्या होता है, द्रव्यमान का मात्र क्या होता है ग्राम, तो ऊपर नोटेशन किसका आएगा ग्राम का। M2 टू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं MKS, MKS में मात्र क्या होता है द्रव्यमान का किलोग्राम KG की घात एक। सेम लंबाई के लिए CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और MKS में मीटर की घात एक, ठीक ना, दोनों में सेकंड सेकंड होता है, तो ये भी सेकंड हो जाएगा और ये भी सेकंड हो जाएगा की घात माइनस दो, ठीक है। हाँ कहाँ पे कोई बात नहीं, वो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेन एन वन, अच्छा अब हमें कन्वर्ट किस में करना है MKS से CGS में, तो इसलिए जो MKS में जो वैल्यूज दे रखे हैं, मतलब MKS में जो मात्रक दे रखे हैं, इसको कन्वर्ट करो किसमें CGS में। जैसे कि ग्राम में दे रखे हैं, सॉरी KG में दे रखे हैं, KG में KG को कन्वर्ट करेंगे किसमें ग्राम में, तो एक KG में कितने ग्राम होते हैं, एक KG में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर तो ऐसे रहेगा क्योंकि CGS में लिखना है। मीटर को कन्वर्ट करो किसमें सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना वन, वन की घात माइनस दो करेंगे तो सेम वही रहेगा, लिख लो चलो माइनस वन की घात माइनस दो, सॉरी वन की घात माइनस दो। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टेन इक्वल टू एन वन, यहाँ पे बचेगा 10 की घात 3, यहाँ पे क्या बचेगा गुणा 10 की घात 2, और एक की घात माइनस दो है तो वैल्यू कितना जाएगा एक हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो टेन इक्वल टू हो जाएगा एन वन एक बट्टे 10 की घात क्या जाएगा 5, 3 और 2 5, एक की घात में कुछ भी हो वैल्यू कितना होगा 1, बस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट होगी तो अनडिफाइन होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी होगा एक की घात में वैल्यू हमें से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। 10 की घात 3 और 10 की घात 2 गुणा में क्या दिखाते जुड़ती है तो 3 और 2 क्या जाएगा 5, तो एन वन बराबर क्या हो जाएगा ये बट्टे में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 10 गुणा 10 की घात 5 तो कितना है 10 की घात 6, तो एन टू के सॉरी एन वन का वैल्यू कितना है क्या 10 की घात 6, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 न्यूटन बराबर जाएगा 10 की घात 6 डायल, और 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 5 डायल, 10 से भाग कर दो, क्लियर है। तो ये याद रखना कि 1 न्यूटन बराबर कितना था 10 की घात 5 डायल, ठीक है ना, और 1 डायन बराबर कितना जाएगा अगर यहीं से कन्वर्ट करेंगे तो 1 डायन किसके बराबर हो जाएगा 1 डायन बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, हैं मत करो। एक अर्घ को जूल में कन्वर्ट करना है, या एक अर्घ बराबर कितना जूल होता है, ठीक है, कितना जूल है, हैं हाँ अर्घ नहीं पता है लेकिन जूल पता है हमें, जूल से हम पता लगा सकते हैं कि बात हम किसकी कर रहे हैं, है कि नहीं है। अगर अर्घ हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन MKS में हमने जूल पढ़ रखा है तो हमें पता है कि जूल किसका मात्रक है, ठीक, जूल किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होता है, हैं कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्य का मात्रक। जो भौतिक राशि है, भौतिक जो राशि है यह है हमारे पास कार्य, ठीक,
भौतिक राशि पता चली है। प्लस अब भौतिक राशि के जो बीमा है, बीमा क्या होगा, कार्य की बीमा एफ इन टू डी, और एफ इन टू डी तो क्या जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, क्या जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बीमा याद कर लेना ठीक, बिना बीमाओं के काम नहीं चलेगा फर्स्ट चैप्टर में। तो बीमा हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये हो गया कार्य की बीमा। अच्छा अब अर्घ जो है वो सी जी एस यूनिट है और जूल जो है वो क्या है एम के एस यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सी जी एस को एम के एस में। सी जी एस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम के एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ठीक ना। सी जी एस में वैल्यू दे रखा है एन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, क्या दे रखा है एन वन इक्वल टू वन, हमें निकालना है एन टू, क्या निकालना है एन टू निकालना है। क्लियर है। अतः देखो एन टू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन टू इक्वल टू क्या जाएगा एन वन एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। क्लियर है ठीक। हमेशा ध्यान रखना अगर एन वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वन वन आएगा नीचे टू टू आएगा। अगर इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो अगर एन वन बराबर लिखते हैं, एन वन बराबर क्या लिखेंगे एन टू, एन वन बराबर क्या लिखते हैं एन टू, तो ये लिखेंगे एम टू बाय एम वन की पावर ए, एल टू बाय एल वन की पावर बी, टी टू बाय टी वन की पावर सी। ठीक ना, मतलब यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला टर्म ऊपर आएगा। क्लियर है ठीक ना, मतलब याद रहेगा तुम्हें इस तरीके से फॉर्मूला। अब देखो एन टू ये टू का नोटेशन है और वन जो है वो किसका नोटेशन है सी जी एस का। सी जी एस को हम वन से रिप्रेजेंट कर रहा था हमने, और एम के एस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा था टू से, एम टू एल टू एन टू ठीक ना। तो हमें निकालना है एन टू निकालना है, एन वन का वैल्यू कितना दे रखा है वन, कितना दे रखा है वन। एम वन सी जी एस का यूनिट है तो क्या हो जाएगा ये ग्राम ठीक। एम टू एम के एस का है तो द्रव्यमान का क्या जाएगा के जी की घात। देखो इससे कंपैरिजन करो, इसकी घात कितना है वन है, तो ए का वैल्यू कितना जाएगा वन। क्लियर है। एल वन सी जी एस का है तो ये जाएगा सेंटीमीटर, एल टू एम के एस का है तो क्या जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा तुम्हारा घात कितना जाएगा दो। यहाँ पे एल की घात दो है तो यहाँ पे दो। अच्छा टी वन सेकेंड, और ये भी हो जाएगा सेकेंड की घात माइनस दो, माइनस दो। अच्छा वन, अब कन्वर्ट करना है सी जी एस को एम के एस में ठीक है ना। सी जी एस को एम के एस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ग्राम को के जी में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ठीक। अगर एम के एस से सी जी एस में जाते हैं तो के जी को ग्राम में कन्वर्ट करते, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। नहीं नहीं वो सेकेंड सब जगह है यूनिट, चाहे सी जी एस में बात करो एम के एस में करो या एस आई में करो, समय का मात्रक सेकेंड ही है ठीक है। तो यह जाएगा तुम्हारा ग्राम को कन्वर्ट करो के जी में, तो एक ग्राम में कितना के जी होता है, एक ग्राम में कितना के जी होता है देखो, एक के जी बराबर दस की घात माइनस तीन, सॉरी तीन ग्राम ना, तो एक ग्राम बराबर क्या हो जाएगा दस की घात माइनस तीन के जी, किसमें जाएगा दस की घात माइनस तीन के जी, तो ये जाएगा दस की घात माइनस तीन के जी बटे के जी की घात एक ठीक। अब इसमें सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं दस की घात माइनस दो मीटर बटे मीटर की घात दो ठीक। क्लियर है। अच्छा सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन, वन की घात माइनस टू, वन की घात माइनस टू। अब देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या जाएगा वन तो ऐसे रहेगा छोड़ दो उसको, ये हो जाएगा दस की घात माइनस तीन, यहाँ पे दस की घात माइनस दो का स्क्वायर, तो घातिक क्या होती है यहाँ पे गुणा हो जाती है, तो माइनस दो और दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा दस की घात माइनस का चार, तो यह जाएगा दस की घात माइनस सात। एन टू का वैल्यू कितना हो गया
दस की घात माइनस सात, इसका मतलब क्या हो गया कि एक अर्ग जो है वो होता है दस की घात माइनस सात जूल के बराबर। एक अर्ग जो है वो हो जाएगा दस की घात माइनस सात जूल के बराबर। अगर एक जूल की बात करेंगे तो एक जूल बराबर क्या जाएगा, दस की घात सात अर्ग है। हाँ ये इसका इधर आ जाएगा ना, ये उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक जूल बराबर हो जाएगा दस की घात सात अर्ग। क्लियर है, नोट करो।